अच्छा जी, क्या जा रहा है? अच्छा जी। तो जी ये चार्ज हो रहा है, अभी हमने इसको चलाया था तकरीबन, हाँ जी हम ऑन करेंगे, ये 70 रुपये था जी। इसको अभी हमने, अभी इस पर चार्जिंग थी लेकिन फिर मैंने चलाया नहीं, बिकॉज चलता तो रहेगा ये, कोई मसला नहीं है, चल तो सकता था अभी भी, और भी अभी 145 है, ये तकरीबन 20-25 किलोमीटर और चल सकता था। इसकी बैटरी पे सिर्फ एक दो पॉइंट आखिरी रह गए थे, तो खैर मैंने फिर इसको चार्जिंग पे लगा दिया, बिकॉज़ अब मैंने चलाना नहीं है इसको। और जो है हम इसकी फिर तकरीबन, ये आपको दो बंदे भी बैठे थे, हमने इसको पहले गियर पे चलाया और इसने मुझे तकरीबन दी है, तकरीबन 110 के तकरीबन देता है। अगर आप अकेले चलाएं पहले गियर पे, खींचे ना बाइक को, तो फिर ज़ाहिर है फिर तो ज़्यादा अच्छी देगा। बस इसका एक है कि इसकी लाइट ऑफ होनी चाहिए जब आप दिन में चला रहे हो, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर ये चल रही है, क्योंकि ये कंज्यूम कर रही है ना बैटरी, एक कोई फ़ायदा नहीं। समहाओ ये कहते हैं कि जी, यानी कि ज़ीरो करने पे भी ये जो है बंद नहीं होता, ज़ीरो पे भी लाइट जलती रहती है, इस पर भी वही है, इस पे हेडलाइट डिपर ऑन होता है, एक्टिव होता है। अच्छा जी, आपने जब इसको चलाना है, किलोमीटर आपको तब देगी जब आप इसको ऑन करेंगे और जब आप इसको रेडी करेंगे। तो अभी तो खैर स्टैंड नीचे है, जब आप इसको रेडी करेंगे ब्रेक दबाते हैं तो ये 0-0 हो जाएगा, बिकॉज़ वो फिर नए तरीके से आपका किलोमीटर काउंट करने लग जाता है। तो डरिएगा नहीं, 0-0 होता है। बाकी ये इसका एम्पेयर कितने, जब आप चढ़ाई से नीचे उतर रहे होते हैं तो ये आपके एम्पेयर चार्ज करता है बैटरी को बकायदा, और जो है काफ़ी अच्छा यानी कि फ़ीचर है, जो कि मतलब इसी वजह से चल सकती थी, और लेकिन मैंने फिर इसको फिर अभी चार्जिंग पे लगा दी। और इसे अभी 4-5 घंटे लगेंगे, अभी 10 बजे, तो हम थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं, ये ग्रीन हो जाएगी लाइट। इसको अभी चार्जिंग पे लगाया और इसको हमने अभी चलाया है, सुबह चार्ज किया था फुल, फिर मैं जिम गया, जिम से वापस आया, गुलबर्ग ग्रीन गया, फिर गुलबर्ग ग्रीन के बाद मैं दोबारा बनी गया छोटी के पैम्पर लेने, और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी 220 किलोमीटर चल गई, और ये 145 पे था, और अभी ये चार्जिंग था, इसके थे 1.5 पॉइंट, समझ लें कि 2 पॉइंट थे, 2 पॉइंट थे, तो अभी भी यानी कि चल सकता है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और चल सकता है। और इसको मैंने दूसरे गियर पे चलाया आज, मतलब ये जो दूसरा गियर है, ये जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये दूसरा गियर आ जाता है, इस पर थोड़ी सी पिक अच्छी होती है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, जब आप चलाएंगे ना, देखेंगे बाइक जो है ना, रेसें लगाने के लिए नहीं है। अगर आप इससे रेसें लगाएंगे तो फिर तो भूल जाएं कि ये आपको माइलेज देगी, मतलब आपके पास से कोई बाइक वाला गुजरता है तो आप जो है जनाब उसके साथ रेस लगाने बैठ जाते हो, तो वो गलत है, तो वो आपने नहीं करना। हम इसका पार्किंग ऑन कर देते हैं, तो वो आपने नहीं करना, क्योंकि अगर आप रेसें लगाओगे फिर ये बाइक आपको माइलेज नहीं देगी, फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 60 से 70 देगी, और शायद बंद भी हो जाए 60-70 पे। लेकिन अभी यानी कि 30 किलोमीटर में अगर चलाना चाहूँ इसको अपने ही एरिए में, और चल सकती है, बिकॉज़ मेरे एरिए में चढ़ाइयाँ भी हैं, उतराइयाँ भी हैं, तो उतरते हैं तो चार्ज हो जाती है, होती है इसकी, जनरेट होती है बैटरी, और बैटरी को चार्ज करता है, एनर्जी जनरेट करता है। ये देखें जैसे कि दूसरा गियर है, तो अभी तो खैर नहीं चलेगा चार्जिंग पे, जब चार्जिंग पे हो तो चलता नहीं है। तो खैर ये है इसका बेहतरीन रिव्यू जो है, मैंने इसको पहले गियर पे चलाया था, पहले गियर का ये था, उस टाइम मैं इसको अभी दोबारा पहले गियर पे चलाऊंगा, क्योंकि उस टाइम मैं खावर बाइक को छोड़ के आया था, उसमें हम थे, और उसमें हमने तकरीबन 35-40 किलोमीटर्स दो बंदों ने बैठ के चलाया था इसके ऊपर, और फिर भी इसकी बैटरी फुल थी। तो जब बैटरी में थोड़ा सा ख़त्म होता है तो वो थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता 1 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट गिर जाते हैं, फिर 3 पॉइंट रहते हैं, फिर थोड़ी देर और गुजरेगी तो 3 पॉइंट भी आपके गिरेंगे, अगर आप इसको ज़्यादा स्ट्रेस दे के चलाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा रेस दे के नहीं चलानी है आपने, आपने इसको 40-30 रखना है कि यहाँ पे से लेके यहाँ तक आपकी रेस रहे, वो जो रेड लाइन आती है आपने वो नहीं आने देनी, कोशिश यही करनी है। कुछ जगहों पे आपको उठानी पड़ती है बाइक, खींचनी पड़ती है, वो आप खींच सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है, रेड लाइन आ जाती है तो खैर है, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप इसको जो है कंजम्पशन और अच्छी माइलेज चाहते हैं ना, अगर आप अकेले चला रहे हैं, तो फिर आप इसको मिड में रख के चलाएं, जैसे कि इस एरिए में, यानी कि यहाँ से वो स्टार्ट तो होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ तक रहेगी 40-30 में, आपको कहूँगा स्पीड पे रखें 40-30 पे, ये आपको पहले गियर पे 120 किलोमीटर से 140 किलोमीटर भी देगी,
और अगर आप दूसरे पे चलाते हैं तो भी इसको उसी पे ही रखें, उस पे भी आपको ये देगी, लेकिन हमारे यहाँ पे रश इतनी होती है, पिंडी लाहौर जिधर भी आप चला रहे हैं उधर रश इतनी होती है कि वहाँ पे आप आई डोंट थिंक कि आप 60-70 मार पाओगे, और अगर वो अगर आप DHA में रहते हैं तो शायद आप कर पाएँ, लेकिन मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं तो सजेस्ट करूँगा इसको इकोनॉमिकली अगर आप चलाएँगे तो ज़्यादा बेहतर है। इकोनॉमिकली कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे गाड़ी है, जैसे एक कल्टस गाड़ी है, हम कल्टस गाड़ी को अगर ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से खींचेंगे तो कल्टस गाड़ी आपको कंजम्पशन कम देती है, फ्यूल एवरेज जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूल खाती है, और उसके किलोमीटर जो हैं वो भी गिर जाते हैं, वो कम किलोमीटर का सफ़र तय करती है, ज़्यादा पेट्रोल लेती है। और इसी तरह ही इसका है, किसी भी मोटर को ले लें, बिजली की मोटर को ले लें, गाड़ी की मोटर को ले लें जो पेट्रोल पे चलती है, डीजल की मोटर को ले लें, आप उसको अगर खींचने की कोशिश करेंगे तो आपको एवरेज कम देगी। अगर आप उसको खींचने की कोशिश नहीं करेंगे, यानी कि नॉर्मल चलाएंगे, प्यार से चलाएंगे, तो वो आपको माइलेज भी अच्छी देगी और उसकी लाइफ लाइन भी बहुत ज़बरदस्त होगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, शायद आपको बहुत से लोग नहीं बताएंगे, और जैसे कि ये अभी 0-0 है, राइट? आप परेशान नहीं होइएगा ये 0-0 क्यों है, वो आपको आपकी राइड के मुताबिक बताता है 0-0 हूँ मैं, मतलब अभी उसने कोई एम्पेयर इकट्ठे भी नहीं किए आपकी इस राइड पे, ये आपकी नई जो राइड जिस पे आप अभी चलाएंगे उसका 0-0 है। अगर आपने देखना टोटल कितना चला है, 145 था, तो मैंने इसको 220 पे चलाया, 219, 220 ये तकरीबन कंप्लीट ही हो गया था, मैं देख रहा था इसे, और जो है ये, और ये भी और भी चल सकता था, इसके अभी 2 पॉइंट बाकी थे, तो तकरीबन इसकी 80% बैटरी, 20% 20-22% इसकी बैटरी थी अंदाजन मैं बता रहा हूँ। इसके ऊपर डिजिटल नीचे लिखा नहीं आता, वैसे लिखा आना चाहिए, इसके ऊपर लिखा नहीं आता, बट ये है कि इसकी बैटरी इतनी थी। वो जब आप ऑन करते हैं तो शो करता ज़रूर है, ये 100% इस तरह से परसेंटेज ज़रूर शो करता है, लेकिन वो है कि वो आपको वैसे नहीं दिखाता, बस आपको सिर्फ बैटरी और ये ऑप्शन नज़र आते हैं। मे बी इसका कोई ऑप्शन हो दिखाने का, बट आई डेंट फाइंड इट एनी, मुझे कुछ नज़र नहीं आया इसके यहाँ पे, शायद कोई हो कि यहाँ पे नहीं, आई डोंट थिंक सो, नहीं कोई बटन नहीं है ऐसा कि वो जिससे आपको परसेंटेज भी शो कर सके या जो भी है, आई डोंट थिंक सो। तो खैर एनीवे, ये मेरा रिव्यू है अभी तक का। अभी हमने जैसे कि पहले गियर पे दो बंदों ने बैठ के चलाई थी, तो मैं पहले गियर पे अकेला चलाऊंगा और मैं आपको इसकी माइलेज की डिटेल बताऊंगा, गुलबर्ग ग्रीन में ले जाऊंगा या कहीं पे भी, जिससे आपको माइलेज पता चलती रहेगी। और एक चीज़ आपने ख्याल रखना है, राइड लेने के आने के बाद, राइड जब आप ले आते हैं, जैसे मैं अभी बन्नी से आया हूँ, मैं तकरीबन 32-40 किलोमीटर्स में अभी दोबारा सफ़र तय करके आया हूँ, तो आपने इसको एकदम आते ही चार्जिंग पे नहीं लगाना, 30 मिनट्स वेट करना है, बैटरी गर्म होती हैं, इसकी बैटरी यहाँ पे होती है जैसे कि मेरे ब्लॉग में आपने देखा है, बैटरी इसकी गर्म होती हैं, तो आपने इसका वेट करना है, इसको ठंडा होने तक का वेट करना है, फिर उसके बाद आपने इसको चार्जिंग पे लगाना है 30 मिनट्स के बाद, ताकि जो है आपकी बैटरी, सॉरी तो जी, ताकि आपकी बैटरी जो है उसकी लाइफ अच्छी रहे। और इसके अंदर आपकी बॉटल आ जाती है, आपकी पानी की बॉटल लीटर वाली, मैं आपको दिखाता हूँ जी, तो ये पेप्सी की लीटर वाली बोतल है, इसमें मैंने पानी भरा था, सुबह मैं जिम गया था जब, तो मैं इसी में से पानी पी रहा था, तो आप ये इसको इधर, अभी तो चार्जिंग लगा हुआ है तो आप ये आराम से रख सकते हैं, ये आराम से इसके अंदर इधर तक आ जाती है, ये इधर तक आ जाती है, इसके अंदर भी चार्जिंग लगी हुई है, तो ये भी तार के साथ तो डिस्टर्ब करेगी तो हम अभी नहीं करते, बट ये आ जाती है इसके साथ, हम इसको इधर ही रख देते हैं क्योंकि हमने इसको यूज़ करना होता है, सुबह दोबारा जिम जाएंगे। तो एवरीवन, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था अपना, और आपने जो आपको कॉपी वो देंगे, मैंने तो अभी इसके अंदर रखी हुई है, उसकी फ़ोटो कॉपी करवा लें, जो आपको वारंटी कार्ड मिलता है उसकी फ़ोटो कॉपी कॉपी रख लें साथ एक लाजमी, और हेलमेट पहन के चलाएं, क्योंकि देखें अगर इसके अगर नंबर वगैरह अभी आपका नहीं ना लग रहा, मैं भी नंबर लगना स्टार्ट हो गया, मैं चेक करूँगा, और जो है अगर नहीं भी लग रहा तो आपने अपनी तरफ से पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं सारे, बिकॉज़ ये बाइक से ज़्यादा तेज़ मैं कहूँगा, ये जो 70 है जो खींचने में टाइम लगाता है, ये खींचने में टाइम नहीं लगाती, स्पीड ब्रेकर के बाद एकदम निकलती है, तो आपने उसको प्यार से ही चलाना, आपने एकदम खींचना नहीं शुरू कर देना बाइक को, क्योंकि बाइक को जब आप खींचते हैं ना तो मोटर पे आप देते हैं स्ट्रेस, मोटर पे जितनी स्ट्रेस देंगे वो आपको रेड लाइन बता देती है कि मोटर पे स्ट्रेस कितनी आ रही है, मोटर को जितनी स्ट्रेस देंगे उतनी ही कम माइलेज वो आपको फिर मोटर प्रोवाइड करेगी, बिकॉज़ आप मोटर से पावर मांग रहे हो, मोटर आपको पावर देगी वो बैटरी से पावर खींचेगी, ज़्यादा ज़ोर से खींचेगी, जब वो ज़्यादा
ज़ोर से खींचेगी तो ज़ाहिर है फिर वो आपकी बैटरी की कंजम्पशन जो है, आपको माइलेज है वो कम कम से कम होना शुरू हो जाएगी। तो आज का मेरा रिव्यू इतना ही है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जिसमें हम पीर स्वाबा भी जाएंगे और काफ़ी जगहों पे जाएंगे और मैं आपको इसकी काफ़ी डिटेल बताऊंगा साथ साथ। इन्होंने बस एक, मुझे नहीं लगता, जो एक ऑप्शन बहुत अजीब सा है जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ, ये जो ज़ीरो वाला, ये ज़ीरो पे भी इसकी लाइट ऑन ही रहती है, यानी कि ज़ीरो पे भी और इसके फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब ये हेडलाइट आपकी हर टाइम ऑन रहेगी। आई थिंक इनको ये ऑप्शन रखना चाहिए था जिसमें ये आप इसको बंद कर सको, जब आप दिन में चला रहे हो यू डोंट नीड अ हेडलाइट, तो आपको हेडलाइट की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आप उसमें काफ़ी बैटरी बचा सकते हो, तो इसके चलते रहना एक अजीब सी बात है। मे बी इन फ्यूचर आगे जाके शायद इसको चेंज करें, बट आई थिंक मैंने इसके शीशे उतार दिए थे बिकॉज जिस दौरान मुझे ज़रा थोड़ा सा इशू आया था, जो कि आपने देखा है व्लॉग में, उसमें मैंने इसके शीशे थोड़े से उतार दिए थे बिकॉज़ वो पड़े हुए वहाँ पर मैंने रखे हुए, इसके शीशे उतार के मैंने फिर इसको चलाया था। लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, आपको बस मैं यही प्रिकॉशन दूंगा कि इसको आपने प्यार से चलाना है, रेसें नहीं लगानी, रेसों के लिए नहीं बनी, और ये आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, भागती है, यही नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल ही तेज़ नहीं चलती, तेज़ ये भी चलती है, लेकिन स्टिल यू हैव टू इसको आपने प्यार से चलाना। कोई बम्प्स आते हैं प्यार से चलाएं, शॉक्स इसके बहुत ज़बरदस्त हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, बैटरीज इसकी इंटैक्ट हैं बिल्कुल, आपको मैंने व्लॉग में दिखाया भी है, तो उछलने और इनकी कोई नहीं, बट बहुत ज़ोर ज़ोर से बम्प्स पे जो लोग मारते हैं बाइक्स वगैरह, तो उनकी फिर खचक जाती हैं बाइक, इस तरह की हो जाती हैं, या फिर मेरी ये देखें इस तरह की हो जाती हैं, तो इससे ज़रा बचें। इसको भी हम साफ़ करेंगे, इनको भी साफ़ करेंगे, फिर इनको हम खड़े करेंगे दोनों बाइक को सही तरह से, और इसकी यहाँ पर जगह बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, मैं आपको दिखाता रहूँगा, देख लें 219 220 किलोमीटर है, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अभी इसकी चार्जिंग लगाइए, 4 से 5 घंटे लेती है चार्जिंग की, फिर इसकी ग्रीन लाइट हो जाती है, चार्जिंग देना बंद कर देती है। चार्जर अगर लगा भी हुआ आप सो गए हो जस्ट इन केस, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उठोगे तो बेशक बंद कर दीजिएगा, या किसी को घर वाले को कह दें कि जी चार्जर पर ग्रीन लाइट है तो उसको ऑफ़ कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, और टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।